पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल पुनः प्रारंभ कराने की मांग को लेकर एबीपी धमतरी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। जिला संयोजक पूजा यादव ने बताया कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धमतरी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल पुनः प्रारंभ कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। 31/10/2022 से छात्रवृत्ति पोर्टल बंद हो गया है। जिले भर में 1000 से अधिक विद्यार्थियों का फॉर्म नहीं भर पाया है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनने में बहुत देरी हो रही है। इससे पहले अधिकारियों का हड़ताल चल रहा था, जिससे विद्यार्थियों को जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत परेशानी हुई है। और जब हड़ताल खत्म हुआ तो बहुत देर से जाति प्रमाण पत्र मिल रहा है और बहुत लोग 2 महीने से भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी समय पर नहीं मिल पाया। ऐसे में विद्यार्थी कैसे फॉर्म डालते? छात्रवृत्ति के माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ने का सुनहरा अवसर मिलता है, और अगर छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो उन्हें पढ़ने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द छात्रवृत्ति पोर्टल पुनः प्रारंभ होनी चाहिए। नगर मंत्री मुस्कुंद ध्रुव ने कहा कि बहुत से विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो गए हैं, इसलिए एक और पुनः पोर्टल प्रारंभ होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। अगर एबीपी धमतरी की मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। एबीपी जिला संयोजक, क्या समस्या लेकर आए? आज हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं। विषय ये है कि जो छात्रवृत्ति है वो उसका पोर्टल 31 अक्टूबर को बंद हो गया है, और बहुत से विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। पोर्टल जिस टाइम पे चालू था उस टाइम पे अधिकारियों का हड़ताल चल रहा था, तो उस टाइम पे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बन नहीं पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में बच्चे कहाँ से ऑनलाइन पोर्टल में अपना फॉर्म भरेंगे जब उनका डॉक्यूमेंट्स ही पूरा नहीं था। तो उसके बाद जब 31 अक्टूबर आया तो अब बोलते हैं कि 2-3 दिन बचा था तो कॉलेज की तरफ से कि ऑफलाइन स्वीकार करेंगे, लेकिन उसमें भी कोई चांस नहीं है कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा करके। उसके बाद अब बोलते हैं कि इतना दिन तक चालू किए थे पोर्टल, तब बच्चे क्यों फॉर्म नहीं डाले? जब अधिकारी ही हड़ताल पर रहेंगे तो बच्चे पोर्टल में फॉर्म कैसे भरेंगे? हम लोग का मांग ये है कि ऑनलाइन पोर्टल पुनः प्रारंभ किया जाए ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं जो वंचित हो गए हैं छात्रवृत्ति से, उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिला जाए। कलेक्टर साहब बोले हैं कि मैं आगे बात ले जाऊंगा रायपुर तक। रायपुर के नाम से हम लोग ज्ञापन सौंप दिए हैं, आगे अगर पोर्टल नहीं खुलता है तो एबीपी धमतरी के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धमतरी से। क्या क्या समस्या लेकर आए हैं? हम लोगों का समस्या ये है कि जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल था उसका लास्ट डेट 31/10/2022 था, लेकिन बहुत से विद्यार्थी धमतरी जिले और पूरे राज्य भर में ऐसे हैं जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं। कारण ये है कि बहुत से विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है, क्योंकि बहुत लेट लग रहा है जाति आय बनने के लिए, तो वैसे विद्यार्थी ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं और छात्रवृत्ति का डेट निकल गया है। तो हम यही चाहते हैं कि जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल था उसको फिर से प्रारंभ किया जाए ताकि जो बच्चे छूट गए हैं वो छात्रवृत्ति का लाभ ले पाए। कलेक्टर सर बोले हैं कि इस संदर्भ में कार्यवाही करेंगे आगे। बाकी हम लोग यही मांग की है कि 1-2 सप्ताह के लिए पोर्टल को फिर से आरंभ किया जाए। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के बच्चों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए लगभग 3 महीना पोर्टल खुला था, तो उनको सारे बच्चों को अवेयरनेस हो के उसमें करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी मांग के आधार पर मैंने शासन से रिक्वेस्ट किया है, चिट्ठी भेजा है कि उसको और पोर्टल खोली जाए। हमारे जिले के कुछ छात्र वंचित रह गए हैं इस कारण से।